वेलकम बैक टू एम किंग स्पोर्ट्स चैनल। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 30 एलएसजी वर्सेस जीटी के मैच के बारे में। यह आईपीएल 2023 का 30th मुकाबला है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। लखनऊ ने लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल के खिलाफ अच्छी जीत हासिल की गाइस, और दूसरी गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तो गाइस, एक टीम मैच जीत के आ रही है, एक टीम मैच हार के आ रही है। एलएसजी वर्सेस जीटी हेड टू हेड क्या है, हम ये बात करते हैं। पिछले साल टाइटंस ने सुपर जायंट्स के खिलाफ दोनों गेम जीते थे। टाइटंस के पास एक मजबूत बॉलिंग अटैक है और सुपर जायंट ने मिडिल ऑर्डर के लिए संघर्ष किया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा गाइस कि आप जाके हमारा काम देखिए टेलीग्राम पे। हम 100% श्योर एक्यूरेट रिपोर्ट दे रहे हैं मैच की कि कौन जीतेगा। साथ में जो लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, माई टीम 11 खेलते हैं, फैंटेसी लीग्स खेलते हैं, चाहे वो ग्रैंड हो चाहे वो स्मॉल हो, उन लोगों को गाइस शानदार टीम दी जा रही है। आप हमारा काम चेक कीजिए टेलीग्राम पे जाके कि लास्ट मैच में भी हमने जो प्लेयर्स मतलब बताए थे कि इन प्लेयर्स को खेलना चाहिए, इन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए, ये प्लेयर्स अगर आप अपनी टीम में लेते हैं तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। ऐसा काम आपको यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा गाइस। हमारी जो टीम है वो हम मैच से आधे घंटे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं जिसका नाम है एम किंग स्पोर्ट्स गाइस। तो आप एम किंग स्पोर्ट्स को हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए या भले टेलीग्राम पे जाके देखिए। मैच से आधे घंटा पहले आपको टीम मिल जाएगी गाइस टॉस के बाद में। प्लस जो लोग मैच खेलते हैं टॉस खेलते हैं तो वह भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, 100% एक्यूरेसी रिपोर्ट्स के साथ मिलेगी गाइस। ये चैनल भारत का नया उभरता हुआ स्पोर्ट्स चैनल है गाइस। साथ में जो लोग स्पोर्ट्स लवर्स है, जो कि बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्समैन की, वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं हर मैच के बारे में, तो आपको हमारे चैनल पे हर गेम का स्पोर्ट्स एनालिसिस मिलेगा, प्रेडिक्शन मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जो कि mkingsports.com है, वहां पे आप हमारे जाके ब्लॉग्स पढ़िए। जो लोग स्पोर्ट्स लवर है, आईपीएल लवर है, क्रिकेट लवर है, हर मैच की बारीकियां पॉइंट टेबल के साथ में आपको हमारे mkingsports.com पे मिलेंगे, सारे ब्लॉग्स मिलेंगे गाइस। आप हमारा काम देखिए कि जो मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में अभी T20 खेला गया था उसमें हमने जो ड्रीम 11 में टीम दी, वो टीम ने कहीं ना कहीं मोटा प्रॉफिट कमाती अगर सेकंड पारी में बरसात नहीं आती। पर जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हमने कहा था चैट बोस को लीजिए, मार्क चैपमैन को लीजिए, चैपमैन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए और वही सही निकला गाइस। जो T20 मैच है उसकी भी आपको ड्रीम 11 की टीम देंगे बहुत ही शानदार, जो कि पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ में। तो स्मॉल लीग्स में लोग जीत रहे हैं हमारे चैनल पे गाइस, नो डाउट। तो चलिए इस मैच की बात करते हैं गाइस। एलएसजी का प्रीव्यू अगर हम देखते हैं गाइस लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो काइल मेयर्स और राहुल टॉप पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्हें आप टीम में जरूर लीजिएगा। दीपक हुड्डा, आयुष और मार्कर सीजन में चल नहीं गए पाए अभी तक गाइस। साथ में निकोलस पूरन जो है वो शानदार फॉर्म में है और वो मैच खत्म भी कर रहे हैं, और नवीन हक ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी कराई थी आखिरी मैच में, क्योंकि जो मार्कवुड थे उन्हें वायरल फीवर था इसलिए मैच खेल नहीं पाए। तो गाइस अगर मार्कवुड अवेलेबल है तो आप मार्कवुड को जरूर टीम में रखिएगा, और साथ में आपको मेयर्स और राहुल को भी टीम में रखना है। और कहीं ना कहीं गाइस स्टॉइनिस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें भी टीम में रखिएगा। और अगर हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो रवि बिश्नोई अभी ठीक गेंदबाजी करा रहे हैं तो आप उन्हें भी टीम में रख सकते हैं। अगर जीटी प्रीव्यू की बात करें तो शुभमन गिल और रिधिमान साहा टॉप पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस जोड़ी को एक मजबूत शुरुआत देनी होगी। साई सदुशन चोटिल हुए और केन विलियमसन की जगह आए, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में पांडे और डेविड मिलर के साथ में रन जोड़ने की कोशिश की है अभी तक, और कहीं ना कहीं कई मैच में रन भी जोड़े। तो आप कहीं ना कहीं पांड्या को टीम में जरूर रखना है और रिधिमान साहा को भी टीम में रखना है। अल्जारी जोसफ आप इन्हें टीम में जरूर रखिएगा गाइस, क्योंकि ये ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया डेविड मिलर को रखिए टीम के अंदर। गेंदबाजी की बात करें, स्पिनर ट्रैक अगर है या नहीं भी है तो रशीद खान को रखना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गाइस एक ऑलराउंडर की भूमिका बनाते हैं और आपको अच्छे पॉइंट्स अर्न करा सकते हैं अपनी टीम के अंदर। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो लोग मैच खेलते हैं उनके लिए कितना रन बनेगा कितना नहीं बनेगा, और साथ में आपको कैसे टीम बनानी है उसके लिए। तो मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है गाइस, जहां 175 रन का स्कोर डिफेंड के लिए अच्छा होगा। यहां स्ट्रेट बाउंड्री लंबी है इसलिए बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड नहीं है बैंगलोर या चेन्नई या दिल्ली जैसे गाइस। तो साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टॉस के बाद आपको कंफर्म टीम मिलती है, कंफर्म विनर मिलता है हमारी टेलीग्राम टीम पे, वो टॉस के बाद मिलता है गाइस। तो हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए एक्यूरेसी 100% श्योर रिपोर्ट के लिए। साथ में गाइस टॉस जीतने वाले टीम को यहां पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए गाइस, चेस करना यहां मुश्किल होता है गाइस। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो गाइस गुजरात टाइटंस के पास की प्लेयर्स है अच्छी फॉर्म में, इसलिए हम गुजरात टाइटंस ये मैच जीत सकती है, तो हम यहां पे गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर फाइनल रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि शॉर्ट रिपोर्ट होगी गाइस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हम उन टिपर्स या उन जैसे नहीं है जो कि पैसा लेके आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करा रहे गाइस। एलएसजी के की प्लेयर्स जिन पे आपको नजर रखनी है वो है काइल मेयर्स, राहुल और निकोलस पूरन। जीटी के की प्लेयर्स है शुभम गिल, रशीद खान, साई सुदर्शन, पांड्या और डेविड मिलर। पॉइंट टेबल, एलएसजी अभी तक 4 मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर, और जीटी 3 मैच जीतने के बाद चौथे स्थान पर है। गाइस हमारे चैनल को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, मगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट रिपोर्ट में